हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बिल्कुल डिफरेंट नाचोस की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बनते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। और इसे मैं थोड़ा हेल्दी बनाऊंगी, चावल के आटे से और गेहूँ के आटे से इसे मैं बनाऊंगी। ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत हेल्दी और टेस्टी बनेगा। और आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अब देर ना करते हुए हम बनाएंगे नाचोस और सालसा। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप राइस फ्लार, चावल का आटा, और इसे हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गेहूँ का आटा, व्हीट फ्लार। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसका हमें डो बनाना है हार्ड। मैंने 1 कप पानी लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंदेंगे, क्योंकि हमें सख्त आटा बांधना है, ढीला नहीं। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई हूँ, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का भी हम डालेंगे। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम डालेंगे और इसका सख्त आटा बांधेंगे। ये चिप्स इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ही पसंद हैं, और ये इवनिंग स्नैक्स बहुत अच्छा है। इसे आप ज़रूर बनाइए और बच्चों को खिलाइए। और इसे आप सालसा के साथ भी खा सकते हैं या केचप के साथ भी खा सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो। इस तरह से हमें आटा गूंदना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। इसमें मुझे पूरा 1 कप पानी नहीं लगा है, 3/4 कप पानी लगा है। इस तरह से हम मसल मसल के इसे गूंदेंगे, क्योंकि हमें इसका स्मूथ डो बनाना है। जितना आप इसे अच्छे से मसलेंगे, उतना ही अच्छे से स्मूथ डो बनेगा। हमें इसका नरम आटा नहीं गूंदना है, इस तरह से हमें इसका सख्त आटा गूंदना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसे हमें 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखना है। अब हम सालसा बना लेते हैं। 1 मीडियम साइज़ प्याज बारीक काटा हुआ, 1 मीडियम साइज़ टमाटर बारीक काटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक काटा हुआ। इसमें लहसुन बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मिक्स कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया बारीक काटा हुआ, 1 छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, इसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 नींबू का रस। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके साथ चिप्स नाचोस बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, आप केचप के साथ भी खा सकते हैं। अब सालसा बन चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। आटे को रखकर 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हम एक बार फिर से अच्छे से इस तरह से मसलेंगे, ताकि और स्मूथ बन जाएगा। इस तरह से आप मसलिए इसे, आप देख सकते हैं इस तरह से हमें स्मूथ डो चाहिए। अब इसके हम 2 पेड़े बना लेते हैं। इस तरह से हम गोल पेड़े बना लेंगे और इसे हम फ्लैट कर देंगे। और किसी सरफेस पर या चकले पर आप सूखा आटा डाल लीजिए इस तरह से। अब हम आटे की लोई रख देंगे और इसे हमें बेलना है जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं, और इसे बड़ी रोटी बेलनी है। और हमें ज़्यादा मोटी भी नहीं चाहिए और ना ही पतली चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से हमें चाहिए। इस तरह बेल लीजिए, ये देखिए इसका थिकनेस इतना ही होना चाहिए। अब आप इस तरह से फोक या छुरी लेकर इसे छेद कर लीजिए इस तरह से, क्योंकि जब हम इसे तलेंगे तो ये फूलनी नहीं चाहिए, इसलिए इस तरह से आप फोक से इसे छेद कर दीजिए पूरी रोटी पर, तो इससे फूलने के चांसेस नहीं रहते। अब आप पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ लेकर इस तरह से हमें इसे लंबे लंबे स्ट्रिप्स में काटना है, पट्टियों में, इस तरह से आप देख सकते हैं। इस तरह से आप नीचे से इसे लेवल कर दीजिए और ऊपर से भी लेवल कर लीजिए, ताकि आपको काटने में आसानी हो। ये देखिए इस तरह से आप काट लीजिए। अब आप इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में हमें काटना है, ये देखिए इस तरह से। आपको मैं 2
तरीके बताऊंगी। एक तो ये है काटने का, इस तरह भी आप काटेंगे तो ट्रायंगल शेप बनता है। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, जिस तरह आप मार्केट से लाते हैं नाचोस उसी तरह से। अब आपको एक और बताती हूँ, इस तरह से आप रोटी बेल लीजिए और इसे भी आप इसी तरह फोक से या नाइफ से छेद कर दीजिए। पूरी रोटी पर हमें छेद करना है ताकि आप जब तलें तो ये फूलेंगी नहीं। ये ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपके नाचोस फूल जाएंगे। अब पिज़्ज़ा कटर से आप रोटी को स्क्वायर शेप में काट लीजिए। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ काटने का, जो आपको इजी लगेगा आप उसी तरह काटिएगा। एक्स्ट्रा आप निकाल दीजिए और इसे फेंकना नहीं है, हम दोबारा इसे बनाएंगे। ये देखिए अब हम इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में काटेंगे, यहाँ से भी। अब हम इसे सेंटर से काटेंगे, यहाँ से भी हम सेंटर से इसे काटेंगे। हमें ट्रायंगल शेप में बनाना है। अब हम इसे यहाँ से काटेंगे, ये देखिए इस तरह से। जो आपको इजी वे लगेगा उसी से तरह आप काट सकते हैं। मैंने आपको दो मेथड बता दिए हैं काटने के। ये देखिए कितने अच्छे से ट्रायंगल शेप के बन गए हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। मैंने तेल मीडियम गरम कर लिया है, अब हम नाचोस डाल के इसे फ्राई कर लेंगे और फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। फुल फ्लेम पर हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, हमें इसे क्रिस्पी करना है और थोड़ा ब्राउन करना है, ज़्यादा इसे जलाना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसे 6 से 8 मिनट लगते हैं फ्राई होने में, लो टू मीडियम फ्लेम पर रखिएगा। इस तरफ से ये ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसे पलट कर दूसरी तरफ भी ब्राउन कर लेंगे। और इसे हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ब्राउन हो जाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं, इसे हमें क्रिस्पी ज़रूर करना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं किचन टावल पर, इसका ऑयल पूरा निकाल दीजिए अच्छे से। ये काफ़ी क्रिस्पी बने हैं और आप देख सकते हैं दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। आँच को तेज ना करें, लो टू मीडियम ही रखिएगा क्योंकि लो टू मीडियम फ्लेम पर ये अच्छे से फ्राई होते हैं और क्रिस्पी भी बहुत हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप सारे डाल लीजिए, जितने आपके कढ़ाई में आए उतने ही डालिएगा, नहीं तो ये चिपक जाएंगे और अच्छे से फ्राई नहीं होंगे दोनों तरफ से। इसे भी हम पलट लेते हैं, दूसरी तरफ भी इसे ब्राउन कर लेते हैं। ये भी अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, इसे भी हम किचन टावल पर निकाल लेते हैं। ये स्नैक्स सबको पसंद आते हैं, बच्चे बड़े सबको। ये आप शाम की चाय के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये लीजिए आपके नाचोस और सालसा दोनों रेडी हैं, इसे आप सालसा के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। या आप केचप के साथ खा सकते हैं, सेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं। वाओ इतना टेस्टी बना है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसे आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपके सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए दिखने में भी कितने क्रिस्पी है, मैं आपको एक तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं। मेरी नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।